हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग वीडियो हॉल, और इसका मैंने पार्ट वन भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी जाकर के चेक कर लेना। या तो शुरू करते हैं आज का शॉपिंग वीडियो हॉल। जो मैंने शॉपिंग किया हुआ है वो है जी के एम ब्लॉक मार्केट से और लाजपत नगर से एंड डीएलएफ प्रोमेनेड सेफोरा से एंड मिनीसो से। तो गाइज, मैंने जी के एम ब्लॉक से कुछ टी शर्ट की शॉपिंग की है और नाइट वेयर पैजामा की शॉपिंग की हुई है। तो गाइज, मैंने दो टी शर्ट की शॉपिंग की हुई है, एक है पिंक कलर का और एक है येलो कलर का। क्योंकि समर में मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और पिंक कलर, यू नो दैट कि पिंक कलर इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, तो पिंक कलर तो मुझे लेना था ही। तो यस गाइस, ये जो टी शर्ट है ये है बेबी पिंक कलर का और इस पे टैडी बने हुए हैं डार्क पिंक कलर का, और ये जारा की कॉपी है और इसकी प्राइस जो है वो है अराउंड 400। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे खरीद लिया। और जो मैंने दूसरा टी शर्ट लिया हुआ है ये है येलो कलर का, और ये भी जारा की कॉपी है। ये मुझे बहुत ही अच्छा ब्राइट येलो कलर लगा, क्योंकि समर में येलो कलर पहनना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसको मैंने ले लिया। इसको मैं ब्लैक कलर की जींस के साथ और लाइक लाइट कलर जींस के साथ पहन सकती हूँ। गाइस, बहुत दिन से मैं अपने नए पजामे नहीं पहन पा रही थी क्योंकि इसका मुझे ब्लॉग बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं इसका ब्लॉग बना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ब्लॉग, उसके बाद मैं पहनने वाली हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स लिया है जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, इसपे क्यूट से ऑरेंजेस बने हुए हैं और ये बहुत ही समर में पहनने के लिए कंफर्टेबल है, और इसकी प्राइस थी अराउंड 350। और फुल नाइट वेयर पैजामे जो मैंने खरीदे हुए हैं ये है ऑफ वाइट कलर का, और इसकी प्राइस थी 300, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है। और मैंने दो तीन पैजामे शॉपिंग कर लिए, क्योंकि होता क्या है ना, मुझे ना बहुत ही पर्टिकुलर प्रिंट चाहिए होते हैं, लाइट कलर और लाइट प्रिंटेड, तो मुझे दो तीन पैजामे अच्छे लगे तो मैंने कहा इसे ले लेते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है ढूंढते रहो तो आपको वो कलर और प्रिंट मिलता नहीं है। तो यस गाइस, ये है ऑफ वाइट कलर और इस पे स्टार्स बने हुए हैं ग्रे और ग्रीन कलर में, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसको खरीद लिया। और जो मेरा सेकेंड पैजामा है ये है ग्रे कलर का, और इस पे बने हुए हैं क्यूट से टैडी, जो कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा और इसे भी मैंने खरीद लिया, और इसकी भी प्राइस है 300। मैंने एक ही शॉप से ये सारे पजामा शॉपिंग किया। और ये जो मेरा थर्ड वन है ये है पिंक कलर का, फुल प्लेन पिंक कलर का है, और इस पे वाइट कलर के लेसेस लगे हुए हैं अंदर पूरे, और ये बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है और इसको मैं बहुत पहनने वाली हूँ। इस समय में तो मुझे लगता है नाइट वेयर पजामे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, एम ब्लॉक से लास्ट शॉपिंग किया हुआ है वो है ब्लू कलर की डेनिम, और ये सुपर कंफर्टेबल था। और ये है वाइड लेग जींस, जो कि नीचे से इसका फैला हुआ ऐसे ब्रॉड कलर का होता है, इसको बोलते हैं वाइड लेग जींस, और ये सुपर कंफर्टेबल, और इसकी जो प्राइस थी वो थी 1600। तो गाइज, ये था जी के एम ब्लॉक मार्केट की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लाजपत नगर में क्या खरीदा। तो गाइज, लाजपत नगर में मैंने सबसे पहले जो शॉपिंग किया है वो है एक ब्राउन कलर की बेल्ट, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल बेल्ट मुझे लगा, और ये इसकी प्राइस जो थी वो थी 250, तो मैंने इसे खरीद। तो गाइज, लाजपत नगर में मैंने कुछ नाइट वेयर पैजामा की शॉपिंग की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ढेर सारे पैजामे एक बार में ही खरीद लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे अच्छे प्रिंट मिलते हैं, कंफर्टेबल फैब्रिक मिलती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ से जो अच्छा मिले वो पिक कर लो, क्योंकि पैजामे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक घर का पैजामा लेने के लिए आप बार बार तो मार्केट जाएंगे नहीं, तो बेटर होगा आप एक बार में 4-5 जितना भी यू नो आप लेते आओ, ताकि बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये है पीच कलर का पैजामा, और इस पर बना हुआ है क्यूट सी गर्ल बनी हुई है येलो कलर में, और ये है पीच कलर का, और वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, और इसकी प्राइस थी 250, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे खरीद लिया। और सेम एक नाइट वेयर पैजामा मैंने खरीदा, और ये है ऑफ वाइट और इस पर पोल्का डॉट बना हुआ है, और इसकी प्राइस थी 250।
ये दोनों नाइटवेयर पैजामा मैंने अलग अलग शॉप से शॉपिंग किया हुआ था और इसका फिक्स प्राइस था तो इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं मैं कर सकती थी, तो 250 आई गेस इट्स अ गुड प्राइस, तो इसको मैंने खरीद लिया। तो गाइस अब देखते हैं कि मैंने डीएलएफ प्रामिनार में सेफोरा से क्या शॉपिंग किया हुआ है। सेफोरा इज माय ऑल टाइम फेवरेट गाइस, और यहाँ से कॉस्मेटिक की शॉपिंग मैं करती हूँ। और यहाँ से मैंने एक लिपस्टिक लिया हुआ है और ये है हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट, और इसका जो नेम है बोमशेल। ये बोमशेल कलर मेरा फेवरेट है और मैं ये सेकेंड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। और ये मैं डे टाइम में हमेशा यही लिपस्टिक का शेड यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर का है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक, तो इसको मैंने खरीद लिया। और इसकी प्राइस जो थी 2000, और ये बहुत ही अच्छा है गाइस, लाइट न्यूड कलर। और सेफोरा से मैंने एक और लिपस्टिक खरीदी हुई है और ये है स्मैश बॉक्स का, और इसका जो है नेम है वो है वे अलर्ट। और गाइस स्मैक्स बॉक्स की लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और एक्चुअली मैं दो तीन जो है ब्रांड यूज करती हूँ लिपस्टिक में, मैक का और हुडा ब्यूटी एंड स्मैक्स बॉक्स, और स्मैक्स बॉक्स मेरा फेवरेट है। और इसका जो है नेम है वो है वे अलर्ट, इसकी प्राइस जो है 2200 है। सो गाइस मैंने मीशो से भी थोड़ी शॉपिंग की है तो उसे भी देखते हैं। और ये है मेरा वाटर बॉटल पिंक कलर का, जैसा कि आपको पता ही है कि पिंक कलर इज माय फेवरेट कलर। और ये ग्लास की बॉटल है, वाटर बॉटल, और इस पे प्लास्टिक का ये कवर भी लगा हुआ है जिससे कि ये जल्दी से टूटे ना। और इसकी जो प्राइस है 350, यस गाइस इसकी जो प्राइस है 350 है, और आई लव दिस बॉटल। और ये है क्लोथ पिन जो कि मैंने मीशो से लिया हुआ है और ये काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। और मैंने थोड़े से टॉवल की भी शॉपिंग की है मीशो से, तो ये है मेरा फेस टॉवल जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और ये व्हाइट और ब्लू कलर का है, और ये काफी लंबा है, इसको मैं अपने फेस के लिए यूज करूंगी क्योंकि मैं फेस के लिए बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन टॉवल यूज करती हूँ, तो वे मेरे फेस के लिए है। और इसकी जो प्राइस है गाइस 260। कुछ और टॉवल मैंने लिया है फेस टॉवल, ये है पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन है, और इस पे क्यूट से डॉग्स बने हुए हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगा मुझे और मैंने इसे भी शॉपिंग कर लिया। और ये काफी सॉफ्ट है, एक्चुअली हमें हमारे फेस के लिए काफी सॉफ्ट टॉवल यूज करना चाहिए गाइस, बिल्कुल भी जो हार्ड ना हो। और मैंने मीशो से एक लोफा भी शॉपिंग किया हुआ है क्योंकि मेरा लोफा खराब हो गया था, तो ये भी है पिंक और ऑफ वाइट कलर का, और इट्स वेरी सॉफ्ट, और इसकी जो प्राइस थी अराउंड 260। सो गाइज ये था मेरा आज का शॉपिंग वीडियो, हाल जो भी मैंने शॉपिंग किया था वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने शेयर कर दिया है सारा कुछ। तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मेरा शॉपिंग वीडियो हॉल, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना जिससे कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। या सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अब आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइज।